दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। कुछ ऐसे गार्डन होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होते हैं। सभी प्लांटर्स को एक लाइन में रखना और एक जैसे दिखने वाले पेड़ पौधों को एक लाइन में रखकर अपने गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। और कुछ अनसिस्टमेटिक गार्डन होते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स को मिक्स एंड मैच करके अलग अलग जगह पर रख के अपने गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कहीं कहीं पर सूखे फूल पत्ते बिखरे हुए हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो और गार्डन की ज़मीन कहीं पे ऊंची हो, कहीं पे नीची हो, कहीं कहीं पर बहुत ऊंचे प्लांट लगे हो और कहीं पे छोटे छोटे प्लांट, और कहीं कहीं पर पत्थर बिखरे हुए हो, इस टाइप के गार्डन बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं। अगर आप लोग इन सब बातों को गहराई से सोचेंगे और फील करेंगे तो आप लोगों को मेरा गार्डन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने अपने गार्डन को इसी तरह रेडी किया है। दोस्तों, इन दिनों मुझे अपने गार्डन में बिल्कुल भी काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था। बड़े दिनों के बाद आज मैं कुछ बहुत ही ज़रूरी काम करने वाली हूँ। यहाँ पर इस कॉर्नर में जो अगेव का प्लांट लगा हुआ है, मैंने ये सोच के लगाया था करके कि इस कॉर्नर को बहुत सुंदर लुक देगा, मगर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ। अगेव के प्लांट पर आप देख रहे हैं सूखे पत्ते और लीफ जमा हो रहे हैं और इस प्लांट को भी ख़राब कर रहा है, क्योंकि ऊपर जो टॉल वैरायटी की चांदनी का प्लांट लगे हुए हैं और इसके जो ड्राई लीव्स, ड्राई फ्लावर जब गिरते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट इसी अगेव के प्लांट के ऊपर ही गिरते हैं और बीच बीच में जाम हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं बहुत ज़्यादा घना होने के कारण वहाँ से बार बार निकालना, उसको साफ़ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार में गार्डन बिल्कुल भी सेट नहीं होता। अगर गमले में लगे हो तो वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रख दो, मगर अगर ज़मीन में लगे हुए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने सोचा था करके कि इस प्लांट को उखाड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मगर ये बहुत ही ईजीली ज़मीन से उखड़ चुका, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती। अभी मैं इसको यहाँ से उठा के ले जाऊँगी दूसरी जगह जहाँ पर मैं फिक्स करूँगी। एक प्रॉब्लम है, इसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया और इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। दोस्तों, मैंने फाइनली डिसाइड किया करके कि अगेव के इस प्लांट को जो मैंने वहाँ से उखाड़ के लाई हूँ, यहाँ पर जो राउंड सर्कल में रियो के प्लांट्स लगे हैं ठीक उसके मिडिल में यहाँ पर लाकर लगा दूँ इस प्लेस में। पहले इस प्लेस में स्पाइडर प्लांट मैंने लगा के रखा हुआ था, मगर वो ठीक से नहीं चले क्योंकि रियो के प्लांट ने पूरा इतना जगह कवर कर लिया कि स्पाइडर प्लांट को हवा नहीं लग रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी पत्तियाँ भी झड़ रहा था और बिल्कुल ही गल रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया उनको निकाल कर इस जगह पर अपने इस अगेव के प्लांट को लगाऊं। कभी कभी दोस्तों, घर के मेंबर मेरे इन कामों से तंग आ जाते हैं। उनका कहना है करके कि एक बार में डिसाइड करना है गार्डन के कौन से हिस्से में कौन सा प्लांट लगाना है, मगर क्या आप इससे सहमत हैं? कभी एक बार में ही गार्डन सेटिंग हो जाती है? नहीं, बल्कि हम कुछ गलतियों से ही बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह से मैंने ये अगेव के प्लांट जो मैंने वहाँ पर लगाया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। देखिए किस तरह से अंदर मिट्टी, पत्ते, फूल जाम हो चुके हैं। अभी मैं इनको एक एक करके साफ़ करूँगी और पानी से इस अगेव के प्लांट को धोऊँगी। ऊपर जो एज में कांटे लगे होते हैं मैंने उनको सीजर से हटा दिया। देखिए इस तरह की इनके शार्प एज होती है। एक बार तो इस अगेव के प्लांट से मेरे साथ बहुत बुरी तरह से इंसिडेंट भी हुआ। मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, इसीलिए मैंने इनके सारे एजेस की जो ये कांटे हैं इनको मैंने हटा दिया, ताकि मुझे काम करने में और इसको हैंडल करने में बहुत ही ईजी हो, कहीं से भी कोई इंजरी ना हो। अगर फिर से कुछ दोबारा ऐसा कुछ हुआ तब तो मेरे घर के मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मगर ये अगेव का प्लांट इतना सुंदर दिखता है, कांटे होने के बावजूद भी ये बहुत सुंदर दिखता है। उस साइड भी एक अगेव का प्लांट है, वो भी चांदनी के प्लांट के नीचे ही लगा हुआ है। अभी मैं उसको भी हटाऊंगी, मगर आज नहीं, कुछ दिनों के बाद। अब मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि अगेव का प्लांट बहुत ज़्यादा हैवी है। वहाँ से दोबारा उठाकर उसकी सही जगह पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगा। देखिए चारों तरफ रियो के प्लांट लगे हुए होने के कारण मुझे यहाँ की ज़मीन को थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। अगर मैं वैसे ही लगा दूँ
तो रियो के जितने भी प्लांट्स हैं वो बीच में ख़राब हो जाएंगे। देखा जाए तो ये काम इतना आसान नहीं है जितना दिखने में लग रहा है। प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसको यहाँ पर उठा के फिर से दोबारा लगाना है और यहाँ पर फिर से मिट्टी मुझे भरना होगा ताकि यहाँ का जो बेस है थोड़ा सा ऊंचा हो जाए और सुंदर से ये लग जाए। अब देखो मैंने उसको उठाकर यहाँ पर बीच में फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद बहुत सुंदर दिख रहा है। पहले वहाँ पर जब लगा हुआ था तब नज़र भी नहीं आ रहा था और गार्डन को इतना सुंदर भी नहीं बना रहा था, बल्कि ऊपर से पत्तियाँ लीव झड़ के इसको और भी ज़्यादा ख़राब कर रहा था। अब ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। अगेव के प्लांट को बीच में फ़िक्स करते वक्त बहुत सारे रियो के प्लांट्स ख़राब भी हो गए और उनके लीव्स को मुझे कट करके हटाना भी पड़ा, मगर अल्टीमेटली जब फाइनल लुक आ गया, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, एक फाउंटेन की तरह इसका लुक आ चुका है। मैंने अगेव के नीचे के जो पुराने जो लीव्स थे उनको भी मैंने चारों तरफ से कट किया। कट करते वक्त बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, सीजर से कटता नहीं, नाइफ से कटता नहीं, जो बड़े वाले दांव होते हैं उससे मैंने उसको कट किया। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, देखिए चारों तरफ से मुझे बहुत सारे लीव्स को हटाना पड़ा क्योंकि इनकी जो लीव्स है नीचे की तरफ ऐसे बेंड होती है, अगर नीचे के लीव्स ना हटाओ तो रियो के प्लांट पे आकर उनको डिस्टर्ब देते हैं और आधे से ज़्यादा कवर कर देता है। अगेव के चक्कर में मैं अपने रियो के प्लांट को भी ख़राब नहीं करना चाहती, दोनों की ब्यूटी अच्छे से नज़र आए यही मेरा एम है और मैंने यही सोचकर अगेव के बहुत सारे लीव्स को नीचे से हटा दिया। और अगेव के जितने भी न्यू लीव्स आएंगी वो बीच से ही ग्रो होंगी ना कि साइड से। और अपने इन रियो के प्लांट्स को बचाने के लिए जितने भी अगेव के साइड से बेबीज ग्रो होंगे मैं उनको कट करके हटा दूंगी और ये मेरा जो रियो का प्लांट बहुत सुंदर से ग्रो भी होगा और अपने सर्कल को मेंटेन करके भी रखेगा। अब देखिए बीच में लगे हुए अगेव का प्लांट एक फाउंटेन की तरह नज़र आ रहा है। दोस्तों मेरे लिए ये वाला काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो आज मैंने कंप्लीट कर लिया। अक्टूबर मंथ के आने के पहले ही मुझे बहुत सारे काम निपटाने होंगे, खासकर ग्राउंड के। ग्राउंड का जो मिडिल पार्ट है उसका भी मैं कुछ डायग्राम चेंज करने वाली हूँ। अक्टूबर के मंथ के आने के पहले ही मुझे ये सारे वर्क ख़त्म करना पड़ेगा। जब मैं इन कामों से फ्री हो जाऊँगी तभी मैं विंटर गार्डन की तैयारी स्टार्ट करूँगी और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को मेरे ग्राउंड गार्डन का थोड़ा बहुत नया लुक भी देखने के लिए मिलेगा जो आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आशा करती हूं करके कि आप लोग आज की वीडियो को ज़रूर एक लाइक देंगे और कमेंट के थ्रू बताएंगे करके कि मैंने इस अगेव के प्लांट को इस कॉर्नर में लगाकर अच्छा किया कि नहीं। और मेरे नए नए गार्डनिंग आइडियाज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।